ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम वी हैव डन चैप्टर नंबर 3 एंड आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो व्हाई डू एटम्स फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड्स. इसका सिंपल सा जो आंसर है वो ये है कि वो स्टेबल होना चाहते हैं. ठीक है, अब दुनिया की हर चीज़ स्टेबिलिटी चाहती है. हमें ही लगा लें, अब हम भी चाहते हैं कि पैसा हो, बंगला हो, गाड़ी हो, तो इसलिए हम इतनी मेहनत भी करते हैं. ठीक है, तो एटम के साथ ऐसा नहीं है, मतलब कि इनको बंगला गाड़ी नहीं चाहिए. इनको जो चीज़ चाहिए वो ये है कि इनको अपने वैलेंस शेल के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये स्टेबल हो जाएं. ठीक है, वही इनका बंगला और गाड़ी है. ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं कि लेट सपोज जिस तरह सोडियम है, सोडियम की एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. सोडियम, आपको पता है इसका जो प्रोटॉन नंबर है दैट इज़ 11, और मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं करूँगा तो दिस इज़ यू कैन से न्यूक्लियस. फर्स्ट शेल जो है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, जो सेकंड शेल है उसके अंदर आपको पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और एक रह गया, वो आ गया लास्ट वाले के अंदर. ठीक है, तो अब देखें इसके लास्ट शेल के अंदर ना 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसको स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए इसको टू गेट स्टेबल. ठीक है, इसी तरह लाइक अदर एटम्स हैं नोबल गैसेस के अलावा, वो सब स्टेबिलिटी चाहते हैं. वो सब के सब नोबल गैसेस की तरह होना चाहते हैं क्योंकि नोबल गैसेस स्टेबल हैं, क्योंकि उनके लास्ट शेल के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल के अंदर यानी कि, और या तो उनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स. अब ये वैलेंस शेल क्या होता है, ये लास्ट शेल नहीं होता जिसके अंदर हम लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करते हैं, बिल्कुल आखिरी वाला, इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल. ठीक है, ये हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा इस वैलेंस शेल को जो है डिस्कस कर लिया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल. इसको आउटर मोस्ट शेल भी बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल. ठीक है, और जो बाकी अंदर वाले हैं इनको हम बोलते हैं इनर शेल्स. क्या बोलते हैं? इनर शेल्स. ओके, हो गया. जो लास्ट वाला होता है उसको वैलेंस शेल बोलते हैं या आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं, और जो यानी कि अंदर वाले होते हैं बाकी दूसरे होते हैं उनको बोलते हैं इनर शेल्स. तो हमें वैलेंस शेल के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं. ठीक है, अब ये एटम्स या तो गेन करते हैं या लूज़ करते हैं या ये शेयर करते हैं अपनी इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए. या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, कम्प्लीटली दूसरे से ले लेते हैं, या ये लूज़ कर देते हैं. ठीक है, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देते हैं, या ये शेयरिंग कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं. जिस तरह हम अक्सर जब हमारा एग्ज़ाम चल रहा होता है तो हम किसी से पेन ले रहे होते हैं, किसी से मार्कर ले रहे होते हैं, जिस तरह हम शेयरिंग करते हैं ना, मतलब मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, वो भी यूज़ कर रहा है, आपका दोस्त जिसे आप ले रहे हैं, तो इस तरह ये भी कर लेते हैं इस तरह शेयरिंग. ठीक है, तो जी अब हम ज़रा देख लेते हैं इस केमिकल बॉन्डिंग के ना 2 रूल्स हैं, वो ये हैं कि नंबर 1 नंबर 2, और ये क्या हैं. एक है डुप्लेट रूल. कौन सा रूल है जी? डुप्लेट रूल. और जो नंबर 2 पे है दैट इज़ ऑक्टेट रूल. ठीक है, अब मैंने आपको लास्ट टाइम ये तो बताया था कि जहाँ भी कहीं पे ऑक्ट से कुछ स्टार्ट हो रहा हो तो उससे रिलेटेड, मतलब वो 8 से रिलेटेड है, तो इस पे ऑक्टेट में 8 से रिलेटेड है. डुप्लेट कहते हैं 2 को. डुप्लेट रूल मतलब कि फर्स्ट शेल जो है आपको पता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे एटम्स जो लूज़ या गेन करने के बाद उनके पास एक ही शेल हो, एक से ज़्यादा नहीं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन किसी को कब चाहिए जब उसके पास सिर्फ और सिर्फ शेल ही एक है, तो उसके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. अदरवाइज उसके पास ये बाकी शेल्स भी हैं. लेट सपोज उसके पास जो है ये वाला शेल है, 2 शेल हैं ये. ठीक है, फर्स्ट के अंदर 2 हैं उसके पास, सेकेंड के अंदर यूँ समझना आप 2 हैं, तो वो स्टेबल नहीं है. मैंने ये नहीं बोला कि किसी भी इलेक्ट्रॉन में 2 होंगे तो चलेंगे, मैंने कहा वो एटम्स, वो एलिमेंट्स जिनके पास फर्स्ट शेल है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे वो लूज़ करके 2 हुए हैं, चाहे वो गेन करके 2 हुए हैं, चाहे वो शेयरिंग करने के बाद 2 हुए हैं, लेकिन अगर फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं
और उसके पास सिर्फ शेल भी एक ही है, क्या उसके पास शेल भी एक ही है और उसके अंदर टू इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो स्टेबल है। मतलब कि यूँ इस तरह करके, कोई इस तरह करके न्यूक्लियस है, उसके पास शेल ही एक है और उसके अंदर वो दो इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो लेट सपोज ये था मेरे पास एटम, इसके पास थ्री इलेक्ट्रॉन्स और भी थे, इसने तीन लूज़ कर दिए, इसके पास बाकी बच गए दो, तो ये भी डुप्लेट रूल फॉलो कर रहा है। मैंने क्या बोला है, फर्स्ट शेल एक ही शेल हो, उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हों, चाहे वो लूज़ करके बने हों, चाहे वो गेन करके बने हों, चाहे वो शेयरिंग से बने हों, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन अगर उसके फर्स्ट शेल के अंदर एक ही शेल है उसके पास, और वही उसका आउटर मोस्ट शेल होगा ना, अगर किसी के पास है ही एक शेल तो यही इसका आउटर मोस्ट शेल भी है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल भी यही है, तो उसके पास अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में और उसके पास शेल भी एक ही है तो वो स्टेबल है, उसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस शेल में तो वो स्टेबल है। अब अगर मेरे पास एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा शेल्स हैं लाइक दिस, जस्ट अ मिनट, ओके, मेरे पास फर्स्ट के अंदर आ गए टू, और ये जो ये था मेरे पास इसके अंदर लेट सपोज आ गए, कोई भी एग्जांपल ले लिया हमने, ठीक है, इसके अंदर आ गए यूं करके सिक्स। अब इसको दो इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, ये गेन कर लेगा, किसी से ले लेगा, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और जब ये आ जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक रूल क्या है कि या तो कोई अपना ऑक्टेट रूल पूरा करता है या अपना डुप्लेट रूल पूरा करता है, ठीक है। अब लेट सपोज मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है इसके पास आपको पता है एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है, तो ये क्या करेंगे, एक और हाइड्रोजन आएगा, उसके पास भी एक और इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये क्या होगा, ये दोनों शेयर कर लेंगे इसको। अब ये क्या होगा, लाइक शेयरिंग किस तरह होगी, इस तरह होगी, मैं आपको प्रॉपर तरीके से करके दिखाता हूँ। ये हाइड्रोजन का एटम है, ये दूसरे हाइड्रोजन का एटम है, ये दोनों इस तरह आ जाएंगे, और इसका भी इलेक्ट्रॉन होगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये दो जो हैं, ये दो हैं, ये इसके भी हैं, ये इसके भी हैं। मैंने क्या बोला, मैंने कुछ यूँ बोला कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके भी हैं और वो इसके भी हैं, देखो दोनों के सेंटर में आ रहा है, ये देखें, ये यूँ करके ये बाउंड्री इसकी है, वो बाउंड्री उसकी है, दोनों ने शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसके भी हैं, उसके भी हैं, और आपको मैंने बताया इसके पास शेल भी एक ही है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो दो ही हैं, तो ये स्टेबल हो जाता है इस तरह, ठीक है, ओके, ये बात होगी हमारे पास। और हम यूँ लगा लें कि अब हम कोई और एग्जांपल भी ले लेते हैं, लेट सपोज़ मैं ले लेता हूँ एग्जांपल किसकी लूँ, लगा लेते हैं मैग्नीशियम की, MgCl2 यूँ लगा लो। अब हम देखते हैं कि ये मैग्नीशियम जो है ये किस तरह स्टेबल होगा, हाँ ये Mg होता है, ये इसको छोड़ दें, Mg है, इसके लास्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे Cl है, Cl इसके लास्ट शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, MgCl2 फॉर्मूला बनता है, ठीक है, तो क्या होगा, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, यूं करके इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो भी बना देता हूँ आपके लिए, ये टू, सेकंड के अंदर आ गए एट, ऐसे ही है, और बाकी लास्ट वाले के अंदर वैलेंस शेल के अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर आ गए टू। तो अब देखिए, हमने कहा था कि अगर एक से ज़्यादा शेल है किसी के पास तो उसको स्टेबल होने के लिए उस शेल के अंदर एट इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, तो इसके पास तो यहाँ पे दो हैं, एट नहीं है, तो इसको एट करने हैं, तो ये क्या करेगा, टू इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देगा, टू इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किस तरह करेगा, इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक चाहिए, तो ये एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, बदले में क्या होगा, ये खुद भी स्टेबल हो जाएगा, इसके पास एट आ जाएंगे, और इसके वैलेंस शेल में भी देखें एट हो जाएंगे, फिर जब ये दे देगा इसको तो इसके वैलेंस शेल में भी एट हो जाएंगे, तो ये भी बैलेंस हो गए, इसकी वजह से स्टेबल हो गए, आगे बात समझ में। अब पता किस चलता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, कौन सा मतलब एटम लूज़ करता है, जिनके वैलेंस शेल में प्लस वन, प्लस टू और प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो हमेशा लूज़ करते हैं,
ये कौन सी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये मेटल्स होते हैं और मेटल्स आपको पता है हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, लूज कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, एक और जो है जो गेन करेंगे, ये तो लूज़ करते हैं ना, जो नॉन मेटल्स है जिनका 5 या 5 से ऊपर 6 7 हैं, जिनके इसमें हैं, जिनके लास्ट शेल में या 5 हैं या 6 हैं या 7 हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, क्योंकि नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, ये नॉन मेटल्स हैं तो ये गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। और नोबल गैसेस जो हैं, शरीफ गैसें, ठीक है, नोबल गैसेस वो क्या करती हैं, वो ना तो किसी से गेन करती हैं ना लूज़ करती हैं, क्योंकि वो स्टेबल हैं। उनके लास्ट शेल के अंदर अगर किसी एटम के अंदर शेल ही एक है, लाइक हीलियम, जो हीलियम है उसका एटॉमिक मास 4 है और जो प्रोटॉन नंबर है दैट इज़ 2, मतलब कि इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ यूँ होती है, ये न्यूक्लियस हो गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसके पास एक ही शेल है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये स्टेबल होता है। मैंने अभी आपको बड़ी डिटेल में बताया, एक ही शेल है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या हो गया, स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है। डुप्लेट रूल तभी फॉलो हो सकता है जब फर्स्ट शेल हो, सेकंड शेल में डुप्लेट रूल नहीं फॉलो होता। डुप्लेट रूल आपको एक और इजी ट्रिक बता दी, डुप्लेट रूल सिर्फ और सिर्फ शेल नंबर 1 के ऊपर ही एप्लीकेबल है। शेल नंबर 1 के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो ठीक है, डुप्लेट रूल फॉलो हो गया। अगर शेल 2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर कोई डुप्लेट रूल नहीं है। डुप्लेट रूल है जो है वो सिंपल इजी वर्ड्स में शेल नंबर 1 के ऊपर एप्लीकेबल है, कि शेल नंबर 1 के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर एक ही शेल है उसके पास, शेल ही एक होना चाहिए और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो वो स्टेबल है क्योंकि वो डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है। अब ऐसा नहीं कहना कि ये यहाँ पे ये इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, बाकी यहाँ पे ये शेल भी हैं, इसके अंदर 8 हैं और इसके अंदर 2 हैं, तो ये डुप्लेट रूल फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं है। वैलेंस शेल को देखना है, ये जो फर्स्ट शेल है यही इसका वैलेंस शेल है और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके पास और शेल्स ही नहीं है, तो ये डुप्लेट रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है, इस तरह करके बात होती है, ठीक है। और नोबल गैसेस जो हैं वो रिएक्ट नहीं करती क्योंकि वो स्टेबल होती हैं, वो ना आयनिक बॉन्ड्स बनाती हैं, ना शेयरिंग करती हैं, कुछ भी नहीं करते, वो स्टेबल होती हैं क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। बल्कि बाकी सारे जो एटम्स हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स, वो इनकी तरह का बनना चाहते हैं, नोबल गैसेस की तरह, तो वो मेहनत करते हैं ताकि इनकी तरह बन जाएँ, लेकिन नोबल गैसेस तो इन्जॉय कर रहे हैं, कहते हैं टेंशन फ्री है ना, इनका जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो इनका स्ट्रक्चर है, वो सारा कुछ स्टेबल है इनका, ठीक है। तो ये था कि व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, सर आप लगा लें, और 1.1 4.1 और हमने 4.2 आई गेस डिस्कस कर लिया कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, डुप्लेट रूल क्या होता है, और यानी कि ये बॉन्डिंग क्यों करते हैं, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया है। और अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है, जिसके अंदर हम आयनिक, कोवलेंट, मैं आपसे शुरू से कहता रहा हूँ ना कि ये आप हम आगे जाके पढ़ेंगे, कोवलेंट बॉन्ड आगे जाके करेंगे, आयनिक बॉन्ड, तो ये अब हम करेंगे, ठीक है। ओके जी, आज के लेक्चर में हम इसको इतना ही रखते हैं, इससे फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ओके जी।